इसके लिए जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं उनकी चार्जशीट के लिए मुख्यालय लिख दिया गया है। विभागीय नियम है, जो भी विभाग को नुकसान होता है वो 5 हिस्सों में बढ़ता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, AFSO, DFSO और DFSO। तो जो भी नुकसान होगा इसमें ऑक्शन होने के बाद, मान लो 100 रुपये का माल है, अगर 60 रुपये ऑक्शन में गया तो 40 रुपये 5 हिस्सों में बढ़े, इसका पैरा बनेगा जब ऑक्शन होगा ना, उसके बाद कितना लॉस हुआ उस लॉस के हिसाब से चार्जशीटें बनेंगी। हाँ बस अब चार्जशीटें तैयार होगी ना। ये गेहूँ तो कैटेगराइज होता है, कैटल फीड के लिए हो जाता है, कोई डंपिंग के लिए होता है, अलग अलग। मैंने बताया जो भी लॉस होता है उसके 5 टियर है, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, AFSO, DFSO, DFSO, ये 5 आदमी जिम्मेवार। कितने समय पहले लिखा सर आपने पत्र? ये मैंने 3 महीने पहले लिखा था। ऑक्शन में किसको दिया गया इसका? ऑक्शन हेडक्वार्टर को आता है भाई, इसकी डिटेल में। क्या नाम है? मेन विजेंद्र कुमार है। क्या उसका पद सर? इंस्पेक्टर। ऑक्शन तो हो चुकी है, अब लिफ्टिंग चल रही है। कितने की हुई है, कुछ आइडिया है इसमें? 3000 MT के आसपास। ये हेडक्वार्टर से हुआ, मेरे को याद नहीं है, अचानक आप पूछ रहे हो या तो डिटेल लेके बैठता मैं। दोषी तो होता ही है, जब गेहूँ ख़राब हुई है तो दोष तो सेट हो गए। नहीं, मामला नहीं, रिकवरी होती है इसमें। मान लो 70 लाख की रिकवरी है, 5 हिस्सों में बढ़ेगी। नहीं, अब भविष्य में नहीं होगा, सारा कवर्ड में होता है। पहले ओपन में स्टोरेज बंद कर दिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है। मतलब एक तो साइंटिफिक स्टोरेज नहीं है और दूसरा बारिश के कारण लंबी स्टोरेज होगी, इसकी मेन कारण ही।